औज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ फूड सीक्रेट में, एमबी किचन फूड सीक्रेट। अभी मैंने नाम चेंज कर दिया। हाँ जी, एक और रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। यहाँ पर मैंने मटन लिया है 3 किलो और उसके साथ मैंने तकरीबन 400 ग्राम प्याज लिए हैं। अदरक लहसुन 2 गुले लहसुन के लिए हैं, 2 गट्ठे और अदरक लिए। ये मैंने हरी मिर्चियाँ कुछ उसके अंदर ग्राइंड करेंगे और कुछ उसके ऊपर डालेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। मटन का कोरमा अब तैयार करेंगे, जैसे देगी कोरमा होता है ना, उस तरह से। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और आपको थंबनेल से पता चल गया होगा आज हम क्या बना रहे हैं। हाँ जी, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ऑयल ऐड करूँगा। ऑयल में तकरीबन 150 ग्राम ऐड करूँगा और इसका गरम होने का वेट करेंगे। हाँ जी, ऑयल गरम हो चुका है। अब यहाँ पर जो प्याज है ना, ये मैं डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को अच्छी तरह मिक्स करना है। हाँ जी, प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर मिसाले ऐड कर दूंगा। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जीरे का लिया है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, 1 चम्मच साबित मिक्स गरम मसाला पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची का लिया है और आधा चम्मच हल्दी का, 10-12 लौंग हैं, 15-16 काली मिर्चें और 2 दालचीनी के पीस हैं। ये इसको ऐड कर दूँगा। और यहाँ पर मैंने 2 लेमन लिए हैं टेस्ट के लिए, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ जी, मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसको पानी का छट्टा लगाएंगे। ये देखें जी, अब यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगा और अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। हाँ जी, मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अदरक लहसुन भुनका। अब यहाँ पर मैं टमाटर, तकरीबन 600 ग्राम टमाटर है, ये भी ऐड कर दूँगा और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। हाँ जी, ये देखें टमाटर हमारे आधे से थोड़े से पक गए हैं। अब इस स्टेज पे आकर मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करता जाऊँगा, ताकि बाकी टमाटर जो है ना गोश्त के साथ ही पकते रहें। इस तरह मैं सारा गोश्त इसके अंदर ऐड कर दूंगा। गोश्त को मैंने अच्छी तरह धो के इसको छानी में डाल के रख दिया था, ताकि इसका पानी पूरा ड्रेन हो जाए। आप इसको गोश्त को इसके अंदर पकाएंगे और इंशाल्लाह अच्छी तरह भुनेंगे। बाकी प्रोसेस आपको बताता हूँ मैं। माशाल्लाह। हाँ जी, 3 किलो गोश्त है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर दूँगा। अभी गोश्त डाल दिया, अब इसके अंदर नमक भी डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगा। हाँ जी, चेक कर देंगे। ये देखें जी, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। टमाटर का पानी वगैरह हो गया। मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, बस गोश्त को धो के रखा था। गोश्त का अपना जो पानी था वही थोड़ा हो गया। अब इसको पकने देंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर आलू बुखारा ऐड करने लगा हूँ, तकरीबन 8 से 10 पीस है। तो टेस्ट के लिए डाल रहा हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कौरमे के अंदर। इधर लोग इमली भी डालते हैं, लेकिन मैंने बस आलू बुखारा डाला। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट और। हाँ जी, चेक करते हैं जी। ये देखें जी, माशाल्लाह गोश्त तो पकते हुए और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी हो गई है माशाल्लाह। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ी सी दही इस्तेमाल करूँगा। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है, 300 ग्राम तक मैं दही इसके अंदर ऐड करूँगा। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और इसको 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। ये देखेंगे माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। हाँ जी चेक करते हैं जी, ये देखें जी माशाल्लाह 5 से 7 मिनट हो गया। योगर्ट डालने के बाद देखें कलर कैसे हो गया कौरमे का, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया माशाल्लाह। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर दूँगा जो इसकी जीनत है, और यहाँ पर मैं अदरक भी ऐड कर दूँगा और हरी मिर्च ये भी ऐड कर दूँगा माशाल्लाह जी। ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है गोश्त का। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाल्लाह जी ये देखें मटन कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारी अच्छी लुक आ रही है जी माशाल्लाह, बहुत खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ ही रेसिपी का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर खिदमत होऊंगा। तब तक अपना, अपनी फैमिली का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।